बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, पूरे गर्व के साथ कहने जा रहा हूं, और मुझे लगता है यदि हर व्यक्ति इस तरह के सिद्धांत का संकल्प अपने मन में लेगा तो वो हर चीज पा सकता है जिसे पाने का लक्ष्य और ध्येय आप अपने जीवन में बनाते हैं। और ये लाइन मैं नहीं, हर व्यक्ति पढ़ेगा एक बार अपने मन में और एक बार जोर से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। संकल्प लेकर कार्य पूरा होने की अंतिम तिथि निर्धारित करना। हम में से बहुत सारे लोग ना संकल्प लेते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कल से मैं जिम जाऊंगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कल से मैं 2 घंटा पढ़ना शुरू करूंगा, मैं पूरे संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करूंगा, मैं पूरे संकल्प के साथ कहता हूं कि जो मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं दूर हो गया उन सभी से मिलूंगा। लेकिन ये संकल्प कभी भी तिथि के साथ निर्धारित नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, संकल्प लेकर कार्य पूरा होने की अंतिम तिथि निर्धारित करना, ये इतना महत्वपूर्ण है। इस लाइन ने, इस स्टेटमेंट ने मेरे जीवन के हर स्तर पर मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी लाइफ को एक नई ट्रांसफॉर्म लाइफ में कन्वर्ट किया। और जो लोग मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं जिन्होंने, वो जानते हैं मैं कैसा था और मैं कैसा हूं। संकल्प की शक्ति के बारे में बताता हूं, और संकल्प की जब बात करते हैं तो जो लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं वही अपने जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन रचते हैं। कौन है ये व्यक्ति? देवव्रत। कौन है ये व्यक्ति? देवव्रत। कौन है? भीष्म पितामह। देवव्रत का नाम क्या है? या भीष्म पितामह का नाम क्या है? देवव्रत। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। यह घटना हुई महाभारत के समय पर। कितने लोगों ने महाभारत जरूर देखी है? एक बार महाभारत देखी होगी, लगभग सभी ने। तो महाभारत की घटना है और बहुत फेमस घटना है, और इस घटना को जब मैंने सीखा, सुना, समझा और अपने जीवन में इसका अनुकरण करना शुरू किया तो मेरी लाइफ हर उस स्तर पर ट्रांसफॉर्म हुई जिस स्तर पर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। और आज के प्रोग्राम का सबसे निचोड़ जो है वो यही है, और जो लोग इसको साथ लेकर जाएंगे ना, संकल्प की शक्ति को तिथि के साथ, वही जीवन में सफलता हासिल करेंगे। देवव्रत की एक घटना बताता हूं। महाभारत की एक कथा है कि महाभारत में देवव्रत का जो जन्म हुआ था वो गंगा से हुआ था। गंगा पुत्र देवव्रत कहा जाता है। गंगा पुत्र देवव्रत जब पैदा हुए तो माँ गंगा ने देखा कि ये बच्चा कई गुणों में निपुण हो गया, बहुत अच्छा गुणशाली हो गया, बहुत अच्छे से शिक्षित हो गया, प्रशिक्षित हो गया, बाण चलाना सीख गया। तो उसे लगा, गंगा माँ को लगा कि इसका राइट प्लेस कहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि शांतनु गंगा के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यदि शांतनु देवव्रत को अपने साथ ले जाएं तो जो उनका राज्य है वहां पर वो आसानी से रह सकता है, और उसकी योग्यता के हिसाब से उसके पिता शांतनु के रूप में होने चाहिए। देवव्रत कहाँ लेकर गए? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में देवव्रत जो थे वो शांतनु के साथ रहने लगे, शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे, हर योग्यता में निपुण होने लगे। आप जानते हैं कि देवव्रत मतलब भीष्म पितामह युद्ध कौशल में निपुण थे, वो धीरे धीरे निपुणता हासिल करने लगे और धीरे धीरे राज्य को संभालने लगे। जब राज्य को संभालने लगे तो जो शांतनु थे उनके पिता वो थोड़े फ्री हो गए। उन्होंने कहा कि चलो आज मनोरंजन के लिए क्यों ना शिकार करने जाया जाए, और जो शांतनु थे वो अपने रथ और सारथी और टीम को पूरा लेकर शिकार करने के लिए निकले। जब शिकार करने निकले तो नदी के किनारे एक बहुत अच्छी सुगंध उनको आ रही थी, उस सुगंध को फॉलो करते 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 वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर अप्सरी के रूप में स्त्री वहां पर खड़ी हुई थी। उन्होंने जैसे ही उस स्त्री को देखा और पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम सत्यवती है। और सत्यवती को देखने के बाद उनके मन में सत्यवती के प्रति प्रेम जागा, और उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूं। और वो सत्यवती जब अपने घर पहुंची, शांतनु जी उनके पीछे पीछे पहुंच गए, और शांतनु जी ने सत्यवती के पिता से एक बात कही कि हे निषादराज, मैं आपकी पुत्री को देखकर मोहित हो गया हूं, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैंने इससे प्रेम कर लिया है, या मैं इसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। तो निषादराज जी आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए। और जब यह बात निषादराज से शांतनु जी ने कही तो शांतनु जी की बात सुनकर
निषादराज बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि मेरी पुत्री, मैं एक सूद पुत्र मतलब एक गरीब परिवार का बच्चा, मेरी पुत्री एक ऐसे कुल में जाएगी जो उस देश के राजा होंगे, मतलब शांतनु से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा ये मेरे लिए और मेरी पुत्री के लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी पुत्री एक अच्छे कुल में जाएगी और वो रानी बनेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी पुत्री से जब आपका पुत्र पैदा हो, मेरी पुत्री से जब आपका आपकी एक संतान पैदा हो, पुत्र पैदा हो, तो वो हस्तिनापुर का राजा बने। और ये बात जब सत्यवती के पिता निषादराज ने कही, ये बात जब शांतनु को सत्यवती के पिता निषादराज ने कही, तो जो शांतनु थे उनके चेहरे पर एक मायूसी आ गई। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र कौन था? देवव्रत। तो उनके मन में ख्याल आया कि केवल अपनी चाहत या अपने अपने जीवन के बारे में सोचने की वजह से मैं उसका हक मार दूं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। और वो शांति से वहां से वापस चले गए। और जब वापस चले गए, अपने महल में गए, तो उसके प्रेम को, उस स्त्री को भुला नहीं पाए, उसके बारे में सोचते रहे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज्यादा मतलब एकांत में आ गए, दुखी होने लगे। दुखी होने लगे तो एक कमरे में उन्होंने अपना वास कर लिया, और वास करने के बाद वो सोचते रहे कि किस तरह से मैं सत्यवती से विवाह कर सकता हूं। ये बात देवव्रत ने सुनी और देखी कि मेरे पिता बड़े गंभीर हो चुके हैं, बड़े परेशान हैं। तो एक दिन वो उनके कक्ष में गया, और कक्ष में जाने के बाद उनसे कहा कि हे पिता, आप मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताएं कि क्या आपको ऐसी परेशानी है कि आप हस्तिनापुर के राजा होने के बाद भी इतने ज्यादा दुखी हो गए, तो मैं आपकी इस परेशानी में क्या मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ग्रंथों में लिखा है कि एक पुत्र का होना ना होने के बराबर है, एक पुत्र का होना एक आंख के होने के बराबर है, और आप तो वैसे भी हमेशा युद्ध करते रहते हो या इन्हीं शिक्षण और प्रशिक्षण में लगे रहते हो, यदि किसी दिन आपकी मृत्यु हो गई तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा, मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। इतनी बात बोलकर वो शांत हो गए। तो उन्होंने कहा परेशानी क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे उनकी शर्त मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है। इतनी बात कहके शांतनु शांत हो गए। और जब देवव्रत जी उस रूम से बाहर आए, तो उनको लगा कि मैं अपने पिता की इस परेशानी को कैसे हल कर सकता हूं, और उस परेशानी को हल करने के लिए या परेशानी को पूर्ण रूप से जानने के लिए वो उनके सारथी के पास गए, और सारथी से कहा कि हे सारथी, मुझे आप ये बताओ कि पिता ऐसी परेशानी में कैसे आ गए, क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, और क्या ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो उनकी शर्त पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। और सारथी को कहा कि आप मुझे वहां ले चलो जहां पर पिता ने ये शर्त सुनी थी। और ये कहने के बाद वो रथ पर सवार हुए और सत्यवती के पिता निषादराज के पास पहुंचे। तो निषादराज ने उनसे एक बात कही कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हस्तिनापुर के राजा मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मेरी पुत्री और राजा से जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं राजकुमार हूं, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा, ये मेरी गारंटी। तो जो निषादराज थे उन्होंने कहा मैंने आपकी बात को मान लिया और मैं इसको स्वीकृति भी देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अभी राजकुमार हैं, आपने मेरे को आश्वासन दिया कि मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा, लेकिन इस बात की क्या संतुष्टि मैं कैसे मानूं, या इस बात का क्या प्रमाण है कि आपकी भी शादी होगी और आपका भी पुत्र होगा, तो वो आपके दिए हुए इस वचन का पालन करेगा या नहीं, इसका विश्वास मुझे आप कैसे दिलाएंगे। तो उस समय देवव्रत ने कहा कि मैं गंगा, पवित्र गंगा मां को अपने हाथ में लेकर एक सौगंध खाता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड पे ना किसी व्यक्ति ने ऐसी सौगंध कभी खाई होगी और ना ही ऐसी सौगंध कोई भविष्य में खाएगा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, गंगा के पवित्र जल को साक्षी मानकर एक संकल्प लेता हूं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जो भी राजा इस राज्य का, आपकी पुत्री से पैदा होगा जो बच्चा, और जब वो राजा बनेगा तो आजीवन उस राजा के अधीन रहूंगा और उसकी सेवा करूंगा। फ्रेंड्स, इतनी बात कहने के बाद निषादराज ने अपनी पुत्री को कहा
रथ पर सवार हो जाओ और जाओ राजा के पास। उन्होंने ये भी कहा, आप खुद इतने योग्य हैं कि आप अपने पिता के लिए इस पुत्री को, मेरी पुत्री को मांग रहे हैं, पर आप ही योग्य व्यक्ति हैं, आप चाहें तो आपका विवाह मैं इससे कर सकता हूं। उसी समय देवव्रत ने कहा कि माता रथ में सवार हूं, और ये बोलकर वो वहां पर गए। और जब वहां पर गए तो जो उनके पिता थे शांतनु, उन्होंने देखा कि देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा ली, ऐसी प्रतिज्ञा, इतनी भीष्म प्रतिज्ञा कि जैसी प्रतिज्ञा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें एक वर देता हूं, आज मैं तुम्हें एक इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तो शांतनु ने अपने पिता, अब शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को एक वरदान दिया कि मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी, मतलब मौत कभी भी आपको छू नहीं पाएगी जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो इच्छा शक्ति है, वो संकल्प की जो शक्ति होती है, जो व्यक्ति संकल्प की शक्ति लेता है या अपने ऊपर इतना विश्वास रखता है कि मैं कोई भी संकल्प ले सकता हूं, वही व्यक्ति अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसे हासिल करने का संकल्प वो लेता है। और ऐसा व्यक्ति ही भीष्म व्यक्ति बनता है, ऐसा व्यक्ति ही भीष्म व्यक्ति बनता है। तो महाभारत के इस सिद्धांत से मैंने एक बात सीखी कि यदि आप भीष्म प्रतिज्ञा ना भी लें, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं, जिन भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन भी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, यदि आप अपने मन में दृढ़ विश्वास के साथ वो संकल्प लेते हैं, तो हर उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने का लक्ष्य, ध्येय या संकल्प आपने बनाया है।